अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं वाइट बोर्ड एनिमेशन। वाइट बोर्ड एनिमेशन किसको बोलते हैं, जैसे कि एक हाथ आता है और लिखता हुआ चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से हम एनिमेशन चाह रहे हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हुआ चलता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी फाइल जो है आपने देखा था, वीडियो बीच से बंद हो गई थी, तो उसी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप तमाम तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो यहाँ से मैं आपको लेकर आ जाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले आपने आफ्टर इफेक्ट्स खोलना है। आफ्टर इफेक्ट्स खोलने के बाद यहाँ से कंपोजिशन में जाके न्यू कंपोजिशन 1280x720 ले लें, सबसे बेस्ट है 1280x720, खुद ही हो जाएगा। और यहाँ आपने 30 फ्रेम पर सेकंड रख दें, काफ़ी है, ये 29.97 भी चलेगा। और ड्यूरेशन है 30 सेकंड, काफ़ी है, क्योंकि आपको पता है ये आपका फ्रेम है, ये सेकंड है, ये मिनट है, ये आवर है, तो ये 30 सेकंड है, ठीक है। ये फ्रेम्स है, फ्रेम्स के बाद यहाँ सेकंड आता है। अच्छा, अब बैकग्राउंड जो भी हो मैंने ओके कर दिया, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ गया। यहाँ से मैं फिट करूँगा बैकग्राउंड को, ताकि पूरा एरिया आप देख सकें, ठीक है, फुल साइज में देख सक रहे हैं। और ये आपको याद है आपका लेयर पैनल है, ठीक है, लेयर आपका एक की फ्रेम जो आप लगा रहे होते हैं या एनिमेशन लगा रहे होते हैं, इफेक्ट लगा रहे होते हैं, यहाँ आपको शो कर रहा होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैकग्राउंड बनाऊंगा, तो उसके लिए इफेक्ट्स में आया, लेयर में आया, लेयर में न्यू और सॉलिड लिया मैंने, कोई भी कलर का आप ले लें, ओके कर दिया। ग्रे कलर का मैंने सॉलिड ले लिया। इसके ऊपर यहाँ से आपने इफेक्ट एंड प्रीसेट ढूंढना है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ से खोल लें विंडोज़ में जाके, वेरी गुड, इफेक्ट एंड प्रीसेट ऑलरेडी खुला हुआ है, हमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब यह मौजूद है। चले दोबारा खोल के देखते हैं उसको, इफेक्ट एंड प्रीसेट एक दफ़ा और खोल के देखते हैं। इफेक्ट एंड प्रीसेट अब नज़र आया, ये अब नज़र आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा रैंप RAMP, और ये आपका ग्रेडियंट रैंप आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको नीचे कर देता हूँ, ग्रेडियंट रैंप के नाम से देखिए ये नज़र आ रहा है आपको। ये प्लगइन है, इसको उठा के आपने इस सॉलिड पे लगा देना है। ये ब्लैक टू वाइट जा रहा है, ठीक है, ग्रेडियंट। अब इसको आपकी मर्ज़ी, आप जैसे कि मैं ब्लैक को जो है वो थोड़ा सा आसमानी कलर या इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है वो थोड़ा लाइट अगर करना चाहें, वाइट भी सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा लाइट ब्लू रखना चाहते हैं, लाइट सा कलर, तो वो भी रख सकते हैं थोड़ा लाइट कलर में, ओके कर दिया। और बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हैंडल्स मौजूद है ग्रेडियंट को कंट्रोल करने के लिए, कि ब्लू नीचे नीचे आता जाएगा या थोड़ा ऊपर कर दिया उसको हमने। और वाइट का एरिया यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, वाइट एरिया फैलता चला जाएगा। इसको भी आप ग्रेडियंट में भी ले सकते हैं और रेडियल में भी ले सकते हैं, जैसे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन ये कि आप चाहें तो फिर इसको रेडियल में भी यहाँ से ले सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था, लीनियर की जगह आप रेडियल कर देंगे, अब रेडियल आ गया, तो यही हैंडल आपके काम आएगा इस कलर को फैलाने में या छुपाने में। और दूसरे हैंडल से आप वाइट कलर को बढ़ाएंगे या फिर कम कर देंगे। तो मैंने थोड़ा बढ़ा दिया इसको कुछ इस किस्म का। यहाँ लोगो लेकर आ रहा हूँ, लोगो मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, तो वहीं से मैं डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा इसको। मैं आफ्टर इफेक्ट्स में यहाँ पर आइकन बना हुआ, इसी के ऊपर लेके गया, माउस को बटन दबाया हुआ, बटन नहीं छोड़ना, लेफ्ट माउस को बटन नहीं छोड़ना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको लोगो भी दिख रहा है इसके अंदर, कर्सर के अंदर। यहाँ लाके आपने माउस का बटन, बल्कि यहाँ लाके आपने लेफ्ट माउस का बटन छोड़ देना है, लोगो आ गया, ठीक है, लग गया सेंटर में। अब आपने क्या करना है कि ये लोगो आपका और ये आपका बैकग्राउंड, आप चाहे तो इसको सिलेक्ट करके एंटर करें और यहाँ पर लिख दें BG का मतलब वेरी गुड बैकग्राउंड। और जो ऊपर ट्रांसपेरेंट के नाम से, इसको आप एंटर करके लोगो कर देता, कि आपको याद रहे ये लोगो है और ये बैकग्राउंड है, दोनों की आई ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों मौजूद है यहाँ पे। जो लोगो वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अगेन आप लेंगे स्ट्रोक, थोड़ा तेज़ी से जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डिटेल में बताया था इसको, आज थोड़ा तेज़ी से जा रहा हूँ ताकि इनको जल्दी से कवर कर लें। और यहाँ स्ट्रोक नज़र नहीं आया, इसका मतलब नीचे नीचे होगा यकीनन। देखें आप नीचे नीचे माउस का व्हील घुमाएंगे तो आप ऊपर नीचे इसमें जा सकते हैं। ये रहा स्ट्रोक को उठा के आपने लगाना है इस लोगो पे। अगर आपको डाउट हो कि ये लोगो सिलेक्ट है या बैकग्राउंड, तो आप यहाँ पे आके लोगो पे गिरा दें उसको, लोगो पे ड्रॉप कर दें। अब ये लोगो पे लग गया, आप देख रहे हैं स्ट्रोक भी लग गया है। और यहाँ पर मैं जो है वो पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल से मैंने पहले ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब ये ऑल मास्क वगैरह का चेक लगाना चाहे तो आप लगा दें। अब सिलसिला यहीं से जोड़े, क्योंकि ये यकीनन वहाँ जाके मैंने जब ऑप्शन ऑन किया है तो यहाँ से लाइन टूट सकती थी, लेकिन अब अगर टूट भी गई तो कोई मसला नहीं, ऑल मास्क है, तो अगर लाइन टूट भी गई तो मैं दोबारा जोड़ने नहीं आऊँगा, मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। देखिए यहाँ से लाइन टूट गई है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बनाएगा ज़रूर उसको,
लाइन टूटी थी यहाँ से जोड़ दिया मैंने। यहाँ तक लिया, फिर यहाँ आई, अभी आई दिखाएगा बनते हुए, पीछे का हिस्सा भी ले लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, और फिर ए के लिए यहाँ से पिछला हिस्सा लेते हुए, ताकि पीछे का जो एक्सट्रूड है वो भी दिखाए, डेप भी इसके अंदर कवर हो जाए। पैन जब तक दिख रहा है तब तक ये बनाएगा इसको, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये वाली शेप बना रहा हूँ, ठीक है, ये शेप बनती हुई चली जाएगी, ये बना ले लाइन से आप इस तरह बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको एक एक करके बनाता चला जाएगा। नीचे हम आते हैं, यहाँ पे पेन से यहाँ क्लिक किया था कि एम को दिखाए ना, अब एम को दिखाने का बनता हुआ, तो एम को यहाँ तक ले लें आप, ठीक है, टुकड़ों में ले लें ताकि पूरा कवर कर ले इसको। अब ये एम बनना शुरू हो जाएगा, आगे के बढ़ता जाएगा, और मास्क का बहुत है, मोटी सी लाइन आएगी। कैसे मोटी लाइन आएगी, देखें यहाँ ब्रश का साइज जब आप मोटा कर देंगे, अभी इतना कवर करेगा, आपको इतना कर देना है इसको मोटा कि ये तकरीबन कवर कर ले, जो कर रहा है काफ़ी हद तक कवर कर लिया। यहीं से दोबारा कंटिन्यू करें क्योंकि लाइन टूट जाएगी वरना। यहाँ आखिरी डॉट पे क्लिक करें, अब यहीं से देखें लाइन दोबारा बना रहा है ना। लोगों पूरी तरह छुपा देना आप, यूँ समझ लें। तो ये जब आप एंड की पे एनिमेशन लगाएंगे, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा, तो आप देखेंगे कि लोगों रिवील करेगा या लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। इस तरीके से कवर कर रहे हैं इसको, जी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। मैं इस तरह बना रहा हूँ जी को, अब जैसे चाहे, मतलब जी दिखना चाहिए बनते हुए, पूरा कवर कर रहा है इसको, थोड़ा रह गया था वो हिस्सा भी ले लिया मैंने, ये हिस्सा पूरा कवर करेगा और फिर फाइनली इसको भी कवर कर देगा। तकरीबन छुप गया, आपको कोई सा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, जो कि मे भी ये ऐसा दिख रहा हो, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, शिफ्ट क्लिक करके किसी एक डॉट को सिलेक्ट करके थोड़ा इधर ले लें, आप देखेंगे कि ये कवर करेगा इस इन एरियाज को। आप देखिए इन डॉट्स को थोड़ा इधर ले लिया, ये जो हल्का हल्का ब्लैक सा दिख रहा था वो भी छुप गया। अब देखें, अब असल गेम क्या है, असल गेम ये कि आपने ऑन ओरिजिनल इमेज यहाँ इसको कर देना है, रिवील ओरिजिनल इमेज, और उसके बाद आपने जो एंड है, एंड की वो बिल्कुल जीरो पे लेकर आ जाए। अब ये जीरो से जब 100 होगा तो ऐसा लिखता हुआ दिखेगा, आ रही है समझ। तो हमने इसको जीरो कर दिया, एंड वाला जो ऑप्शन था उसको जीरो किया। अब आपका रिवाइंड हो जाना चाहिए, स्लाइडर बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, और बिल्कुल शुरू में लाने के बाद आप यहाँ पर की लगाएंगे इसके ऊपर, तो एंड की पे की लगाई, और अब मैं चाह रहा हूँ ये एनिमेशन तकरीबन 3 से 5 सेकंड, चले 5 सेकंड करते हैं, एग्जैक्ट 5 पे लाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें इस जगह पे, और 500 लिखें, ये एग्जैक्ट आपको 500 यानी 5 सेकंड पे ले जाएगा। एंड को बिल्कुल आप 100% कर दें, हो गए 100%। अब ये तकरीबन एनिमेशन आपकी यहाँ तक है 5 सेकंड, तो क्यों फालतू का दिखाएं, तो हम रेंज में यहाँ तक 6 सेकंड तक ले आता हूँ, बहुत 1 सेकंड फालतू दिखाएगा ताकि वो लोगों भी देख सके, ठीक है। चलो 1.5 सेकंड और बढ़ा दिया, यानी 5 सेकंड में वो लोगों दिखाएगा, 1.5 सेकंड यानी 1.5 सेकंड में लोग उसको देख लेंगे, वरना अगर बनते गायब कर देंगे तो ये अजीब हो जाएगा कि लोगों को नजर नहीं आएगा कि ये बना क्या है, और वो सोचते रह जाएंगे पता नहीं क्या आया था। पहले मैं जीरो करवा के आपको दिखाता हूँ ये क्या करने वाला है। आ रहा है सबको समझ में, ये कहलाती है हैंड रिटन एनिमेशन या वाइट बोर्ड एनिमेशन भी इसको बोलते हैं। एक गड़बड़ आपने नोटिस की इसमें, चले अरीना नॉर्थ कराची, अरीना नॉर्थ कराची और मेहरान, अच्छा आप भी बताएं, चले आप भी बताएं, आप भी स्टूडेंट हैं अरीना के, नॉर्थ कराची के, तो आप भी बताएं क्या गड़बड़ है। हाँ आप बोले वेरी गुड, देखिए यह एम जी है ना, यहाँ देखिए एक हल्का सा गैप दिख रहा है, देख रहे हैं आप, हल्का सा, इसका मतलब इस पर मास्क नहीं आया इस जगह पे, बाकी जगहों पर तो मास्क बिल्कुल सही आ गया, साफ सुथरा दिखा रहा है, लेकिन जब ये हिस्सा बना रहा है गौर से देखिएगा यहाँ पे गैप छोड़ देता है, ये देखिए ये बुरा लग रहा है, तो इसको कैसे सही करेंगे। अब आप दोबारा लेकर आ जाए इसको, बिल्कुल फुल रिवाइंड कर दें, और आप थोड़ी देर के लिए आप एक काम करें, रिवील को हटा के इसको कर दें यहाँ से और ट्रांसपेरेंट कर दें, बल्कि इसको वापस से और ओरिजिनली कर दें, और अब मैं इसको पूरा फॉरवर्ड कर रहा हूँ आखिर तक, और यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पता चला गैप है मौजूद, है ना, लाइन टूट गई थी इसका मतलब, तो कोई इशू नहीं, आप पेन टूल लेंगे यहाँ से लाइन जोड़ें, और दोबारा यहाँ से, पहले मैंने यहाँ लाइन जोड़ दी है, यहाँ क्लिक किया, देखें कवर कर दिया ना,
यहाँ दोबारा क्लिक किया, हो गया मसला हल। और कोई एरिया अगर आपको ये भी लग रहा है तो यहाँ भी एक लाइन ऐसे कर दें ताकि इसको भी कवर करें, हालांकि यह कुछ है नहीं, फिर भी आप कोई भी एरिया खाली नहीं है, तमाम जो लोगों वाला एरिया वो उसने कवर कर लिया। एक दफ़ा और उसको प्ले करके देखते हैं, यहाँ से मैं रिवील ओरिजिन कर देता हूँ और आपको एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। अब आप चेक कीजिए कि वहाँ गैप आ रहा है या नहीं आ रहा, हो गया ना? देखा आपने, कंप्लीटली पूरा आपका लोगो रेडी है। अब हैंड वाली एनिमेशन के आगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे मुश्किल वही है। तो मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, है आसान, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पीस ऑफ केक लगेगा। पीस ऑफ केक क्या, ये उठाया वो मैं डाला खा लिया उसकी तरह जिंगर की तरह नहीं है, चबा चबा के खाओ, लेकिन आराम से, यानी ये भी पीस ऑफ केक है। तो कैसे, आप देखिए यहाँ पर लोगो बन रहा है यहाँ से। अब आप गौर से देखिएगा लोगो कहाँ से बना रहा है, लोगो यहाँ से बना रहा है, इस जगह से बना रहा है। तो हम मैंने एक हैंड लाएंगे इस तरह कि हैंड आते 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 यहाँ आ जाएगा। अब ये तो शुरू से ही बना रहा है, आपने देखा, नोटिस किया कि ये तो शुरू से ही बनाना शुरू हो गया। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि ये जो लोगो वाली स्लाइड है ये थोड़ी आगे ले जाए। मैं चाहता हूँ एक या दो सेकंड के बाद वो लोगो बनाए। चलिए दो सेकंड कर लेते हैं, ये दो सेकंड ये रहा, ये आपका स्लाइडर है जिसमें लोगो बन रहा है। तो अब इस स्लाइडर को मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ, यहाँ पे इस लेयर को थोड़ा आगे खिसका दिया। शुरू के दो सेकंड वो कुछ भी नहीं बनाएगा, दो सेकंड के बाद बनना शुरू होगा। कुछ आया सा उनमें, प्ले करके दिखाता हूँ, खुद देखिए दो सेकंड जाया करेगा वो, बीच से प्ले करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए दो सेकंड जाया गया, दो सेकंड जाया गया और ये बनाना शुरू। देखा आपने क्यों दो सेकंड जाया है, सबको समझ में आ गया, क्योंकि हमने इसको आगे ले लिया दो सेकंड में। दो सेकंड वक्त जाया करेगा, उसके बाद लोगो बनाना शुरू करेगा, तो हमारा हाथ भी दो सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, समझे? इसलिए दो सेकंड लिया है जानबूझ के। अब क्या करते हैं कि हैंड लेकर आते हैं। हैंड कैसे लेकर आएंगे, यहाँ से मैं लेकर आता हूँ हैंड, और हैंड आपको याद होगा हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखा था। ओके, यहाँ से उड़ गया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से चूँकि उड़ गया है तो अब मैं इसको दोबारा से जल्दी से ले लेता हूँ, और यहाँ से नेट नहीं चल रहा, नेट को भी चला लेते हैं, और यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं दोबारा से। ये मेरा रिफ्रेश होता है ना, डॉक्यूमेंट्स का डेटा उड़ा देता है, इसलिए ये डेटा चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लिखता हूँ हैंड विद पेन, हैंड विद पेन PNG, एंटर कर दिया मैंने, क्या हो गया, एंटर खराब लग रहा है, एंटर तो होना चाहिए। ये नेट शायद नहीं चल रहा है, अब चला है, नहीं बल्कि एंटर तो चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है। डिस्कनेक्ट करके एक दफा और ट्राई करते हैं। हैंड नहीं आ रहा इसमें, चले आ गया, मुबारक आ गया है, और इमेजेस में आ जाते हैं। ये पहले वाला ही था, आपको याद होगा ये पहले वाला ही था, तो वैसे भी इसको खोलना तो पड़ेगा ही, इमेजेस खोल लेते हैं, बहुत आज रोल के चल रही है। चले इसको ऑन करते हैं, ओपन ए न्यू लिंक, ये आ गया। अब ये PNG है, ये देखिए बैकग्राउंड गायब हो जाएगा, ये बैकग्राउंड लोड होने के बाद गायब होगा। अभी वाइट दिख रहा है ना, चकोर बॉक्स आ जाएंगे थोड़ी देर के अंदर, और चकोर बॉक्स आ जाए क्योंकि साइज थोड़ा बड़ा है, 1388, ये आ गया। यहाँ थोड़ा वाइट धब्बे हैं इसके अंदर, मुझे याद है, तो राइट क्लिक करके मैं इसको सेव इमेज एज करता हूँ और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सेव इमेज एज किया और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ ताकि उड़ ना जाए दोबारा से ये। ओके, अच्छा, ये अभी भी पूरी तरह लोड नहीं हुआ जहाँ तक मेरा ख्याल है। लोड हो गया होता तो HTML नहीं देता, मैं इसको जब सेव कर रहा हूँ या HTML दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसा कभी भी हो ना तो आप कैशे क्लियर करें, %10% Ctrl+A, Shift+Delete, ओके, स्किप कर दे बाकी की फाइलों को, ठीक है, ये तो थोड़ा हल्का हो गया होगा। अब एक दफ़ा और ट्राई करते हैं, सेव इमेज एज,
अच्छा अभी भी नहीं आया ये, अभी भी पीएनजी नहीं आया। अब इसके विजिट करके इसके लिंक पे चले जाते हैं, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे ना, राइट क्लिक करके जब आप सेव इमेजेस करते हैं, यहाँ पीएनजी आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा, तो इसके विजिट करके इसकी साइट पे चले जाते हैं, हो सकता है इसकी वेबसाइट पे जाके मिल जाए ये और इमेज। अगर मैं ऐसी कॉपी करता है प्रिंट स्क्रीन करता तो जाहिर सी बात है जेपीजी बन के आती, वो कभी भी पीएनजी बन के नहीं आती। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हो सकता है वो इमेज मौजूद हो। ये वाली लग रही जो अभी लोड नहीं हुई है, बहरहाल इसी पे क्लिक कर देता हूँ पहले। ये इमेज खुल गई है, ये हैंड है, ये भी पूरी तरह लोड नहीं हुआ, लोड हो जाए। सेव इमेज ऐस करके देख लेते हैं, ये देखें आप पीएनजी आ रहा है, लेकिन अगेन के बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, ये बैकग्राउंड के बगैर तो नहीं है। चलो सेव करके देखते हैं पता चल जाएगा। सेव इमेज ऐस, और उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे सेव होने के बाद अब पता चल जाएगा ये बैकग्राउंड के बगैर है, क्योंकि पीछे का लाइट ब्लू यहाँ भी नजर आ रहा है, इसका मतलब बैकग्राउंड के बगैर है। ये हैंड में उठाकर लेकर आता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स पे, और यहाँ आके ड्रॉप कर दिया, ठीक है, यहाँ आके ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद आप देखें यहाँ धब्बे आ रहे हैं। आपने स्केल करना है एस दबा के, और एस दबा के आपने स्केल करना है, स्केल करने के बाद यहाँ से आपने स्केल कर देना है, ठीक है। स्केल किया, थोड़ा सा बड़ा हाथ रखा है, कटा हुआ हाथ आ रहा है ना, तो थोड़ा सा मैंने बड़ा हाथ रखा है, मतलब जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से। अब ये धब्बे कैसे हटेंगे, ये धब्बे जो आपको दिख रहे हैं वाइट कलर के धब्बे आ रहे हैं, इसको हटाने के लिए आप यहाँ से ले लेंगे चॉकर, एक प्लगइन है हमारे पास CHOCKER। अभी चॉकर दो तीन किस्म के हैं, आपको कौन सा चॉकर चाहिए, आपने चॉकर लिख के एंटर किया और ये आपको ढूंढ के देगा अगर इसमें है, अगर मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, थोड़ा और नीचे करके देखें, चॉकर नहीं ढूंढ रहा, एक बार और लिखता हूँ CHO मेड चॉकर, सिंपल चॉकर, ये रहा मेड चॉकर। मेड चॉकर लेके इस हाथ पे गिरा रहा हूँ, यानी इस हाथ पे पैन पे, पैन विद हैंड, ये वाली इमेज पे। अब ये ऐसा थोड़ा गायब हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे चॉक वन आ रहा है, ज्योमेट्रिक सॉफ्टनेस 4 है, चॉक वन 75% है, थोड़ा सा बढ़ाए थे गायब हो रहा है, दिख रहा है आपको वो वाइट धब्बे जो बहुत आ रहे थे, ये वाले ये गायब करने शुरू कर दिया, और इतना गायब किया कि ये बिल्कुल गायब हो गए। आपको से कितने को दिख रहा है वाइट धब्बा, थोड़ा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है हल्का सा, तो ये सॉफ्टनेस को छोड़ के देखते हैं, हाँ बिल्कुल गायब हो गया, मस्त हाल हो गया, बिल्कुल गायब हो चुका है। इसका प्रीव्यू ऑफ करके दिखाता हूँ FX, ये देखें ऐसा था ऐसा हो गया, ऐसा था ऐसा हो गया, वाइट धब्बे चले गए, ये हमारा काम हो गया। अब हाथ को आपने इस तरह से लिखना है, ये ठीक है, साथ साथ आपने लिखते जाना है, कटा हुआ हाथ आ सकता है। स्केल थोड़ा कर देता हूँ, स्केल एस दबा के मैंने लिया था, थोड़ा और बढ़ा दिया, हाथ थोड़ा और बढ़ गया, सेंटर पॉइंट इसका यहाँ है, आप चूंकि रोटेट भी होगा तो सेंटर पॉइंट्स की उठाकर यहाँ इसकी नीडल पे लेके आता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा पैन बिहाइंड टूल, और उसको आराम से पकड़ के आपने ले आना है यहाँ पे बिल्कुल इसकी नोक पे या निप के ऊपर, ये जो पैन की जो नीडल कह लें या निप कह लें, और उसको बंद करने मत बोले, ये काम बिगाड़ देगा वरना। इसको बंद कैसे करते, यहाँ जाके आपने सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देना, बंद हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए अब जब मैं आर दबा के रोटेट लूंगा तो रोटेशन इस तरह से होगा, आएगा सुन लो, उस नीडल से होगा, इससे सेंटर पॉइंट यहाँ पे लिया है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मेन हमें अभी एनिमेशन लगानी पोजीशन, पी प्रेस करें पोजीशन पे, शुरू से बिल्कुल शुरू से मैं एनिमेशन लगा रहा हूँ, ये हाथ बाहर से आएगा स्क्रीन पे, तो पहले तो मैं हाथ को छुपा देता हूँ यहाँ पे, मुझे पता है यहाँ पर छुपा हुआ है। अब मैंने इसका पोजीशन का की ऑन किया बिल्कुल शुरू से 0 सेकंड से, और ये आखिर तक चलेगा जब तक कि 6 सेकंड से ऊपर नहीं चला जाता। अब मैं आगे आगे जाने के लिए पेज डाउन कर रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3, तीन तीन आगे बढ़ रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3। अब आवाज सुन पा रहे होंगे कि मैं कितनी दफा क्लिक कर रहा हूँ, बस लोगों बनने वाला है अभी 2 सेकंड में, जैसे आएगा ये जानबूझ के उसको ऐसे दिखाएंगे हाथ कटा हुआ हाथ आ गया, देखिए कटा हुआ हाथ आ गया। चलो इसका हल करते हैं, इसका अभी अभी हल नहीं कर रहा, बाद में करता हूँ कि कटे हुए हाथ को कैसे हम सही करेंगे। 2 सेकंड देखिए करीब आने वाला है, आप सबको दिख रहा है, मैं और जूम कर देता हूँ उसको ताकि आप गौर से देख सकें,
रेंज हमारा तकरीबन 6.5 सेकंड है, ये रेंज यहाँ 6.5 सेकंड तक है। तो मैं इतना जूम कर चुका हूँ, आप की देख रहे हैं खुद ब खुद लगती भी जा रही है। मैं पेज डाउन का बटन दबा रहा हूँ, ये अभी आपको अगर नहीं देखा आपने तो मैं पेज डाउन 3-3 दफ़ा दबा रहा हूँ, तो पेज डाउन से ये फॉरवर्ड आ रहा है, पेज अप से ये रिवाइंड होगा। तो मैं 2-3 आगे आया, थोड़ा सा हिला दिया इसको, 1-2-3, 1-2-3, देख रहे हैं आप, ये स्लाइडर खुद ब खुद 3-3 फ्रेम आगे बढ़ता जा रहा है। लोगो आने वाला है, आ चुका, ये आ गया और मैंने यहाँ रख दिया 1-2, 1-2, 1-2, कभी 3 दफ़ा, कभी वैसे तो 1-1 करना चाहिए, 1-1 फ्रेम आगे बढ़े और इसको हिलाएं और ज़्यादा अच्छी एनिमेशन बनेगी। तो मैं शुरू में देखिए 1-1 कर रहा हूँ, एक एक करके हिला के आपको दिखाता हूँ, पहले 3-3 किए थे ना, अब एक एक करके थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, आप देखिए कितना फ़र्क आएगा, एनिमेशन और ज़्यादा डिटेल्ड बनेगी, जबकि 3-3 करने में जल्दी जल्दी बन जाएगी और आपको महसूस नहीं होगा कि हैंड सही हिल भी रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ ये है कि डिटेल इतना नहीं होगा। ये लाइन यहाँ तक बनी और आगे गई, एक एक फ्रेम आगे जा रहा हूँ, आ रहा है समझ में, पेज डाउन करते जा रहा हूँ, आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ। ये कह रहा थी वाइट बोर्ड एनिमेशन या राइट ऑन इफेक्ट भी कहते हैं इसको, और बाकी तो आपको पता है। एक्सप्लेनर वीडियो जितनी भी होती है ना, चाहे कार्टून एक्सप्लेनर वीडियो हो, चाहे नॉर्मली जिस तरह से एक्सप्लेनर वीडियो होता है, जैसे कि सीकन एक चैनल है आप जानते होंगे, जो नहीं तो नहीं कम से कम 30-40 लाख रुपए महीने के छापता है सिर्फ ये करने के। वो अपने इस तरह से लोगों को सिखाता है भाई ज़िंदगी जीने के तरीके, खुदकुशी मत करो, ये नहीं करो, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। सीकन याद रखिएगा, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं जल्दी से यूट्यूब खोलो और लिखो SEKEN, ये चैनल है, इस बंदे की आप इनकम चेक करें कितनी वो कमा रहा है, सिर्फ व्यूज़ देख लें, एक एक वीडियो में उसकी 60 मिलियन व्यूज़, 200 मिलियन व्यूज़, 500 मिलियन व्यूज़, और वो आप सोचे कितना कमा रहा होगा सिर्फ ये करने पे। और सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, वीडियो स्क्राइब भी है, बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, और आफ्टर इफेक्ट्स पे भी आप इस तरह से राइट ऑन इफेक्ट और वाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हैं। वाइट बोर्ड एनिमेशन के पैसे बहुत होते हैं, और फाइवर पे भी लोग $250-$500 आराम से दे देते हैं अगर आप उनको इस तरह का कोई एक्सप्लेनर वीडियो बना के देते हो, जैसे मैं बनाता रहता हूँ। तो ये आपको इस तरह से अच्छी इनकम हो सकती है फाइवर पे भी, ठीक है। तो बेहतरीन चीज़ है, एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, लोगों को आप जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हो, एक चीज़ सिखा रहे हो, और इस तरह से हाथ आके वो चीज़ें बना रहा है, जैसे कार्टून बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, एम्बुलेंस बना रहा है, सोचे कि लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, आई कैचिंग होगा और ज़रूर देखेंगे। शेडो भी ड्रॉ करा है, देख रहे हैं, शेडो भी बना देता हूँ। अब मैं दो दो, अब मैं वक्त नहीं आ पाया, एक एक दो दो करके कर रहा हूँ, 1-2-3, 1-2-3, शुरू में आपको देखेंगे डिटेल्ड एनिमेशन होगी और बाद में थोड़ा जल्दी जल्दी करेगा ये। तो मैं 3-3 कर रहा हूँ, आपने 1-1 करना है, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात, ताकि और अच्छा एनिमेशन बनाए। ठीक है, ये हो गया। अभी साथ ही साथ एक और चैनल मैंने शुरू किया है मकान गुरु के नाम से, जैसे ये मीडिया गुरु है ना, वो है मकान गुरु, जैसे प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, टैक्स के हवाले से कि अब टैक्स कितना कर दिया गया, या FBR की नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले से, या जो रियल स्टेट वालों के लिए, यानी रियल स्टेट प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, इन तमाम के बारे में डिटेल इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और चैनल का नाम है मकान गुरु, ठीक है, जैसे ये मीडिया गुरु है। तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकेंगे। तो मेरे जितने भी चैनल्स होंगे ना, सबका एक आप याद रखिएगा, उसका इनिशियल होगा MG, जैसे मल्टी मीडिया गुरु MG, मीडिया गुरु MG, मकान गुरु MG, मोटर गुरु MG, ये सारे मेरे चैनल हैं, ठीक है। तो मेरे एक चैनल नहीं है,
अब मेरा फ्यूचर में 10 चैनल खोलने का इरादा है, अभी तक तो 7 तक तो पहुंच चुका हूं मैं, 3 और हो जाएंगे, वे काफ़ी होंगे, वो 10 चैनल काफ़ी होंगे, क्योंकि उसमें डेली बेसिस पर वीडियोस आएंगी तो उस हिसाब से काम भी करना होगा बहुत सारा। बहरहाल ये एक चैनल चलाना भी आपको पता है कितना मेहनत का काम है, इसके लिए आपको दिन रात जागना होता है और आप बनाते रहते हो वीडियो, अपडेट्स देते रहते हो, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, उस पर भी वीडियो आएगी कि किस तरह मल्टीपल चैनल्स आप चला सकते हो एक वक्त में अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और अच्छी अर्निंग आपकी हो सकती है, तो उसके बारे में भी आपको मीडिया गुरु पे बताया जाएगा। ठीक है, चैनल्स के हवाले से कि चैनल खोलना कैसे, अकाउंट कैसे बनाना है, वो तो आपको पता है, आपका जीमेल अकाउंट है तो आपको पता है कि चैनल कैसे खोलना है। अभी इसको रुख्सत करते हैं, हाथ को हम रुख्सत कर रहे हैं, मीन्स स्क्रीन से जा रहा है, एक एक करके आराम आराम से एक एक दो दो करके आप भेजते रहे इसको बाहर, आप की देख रहे हैं लगती जा रही है, आपने नोट किया होगा, ये सारी नज़दीक नज़दीक से लगाई है और ये दूर दूर से लगाई है, तीन तीन करके, ये एक एक करके, इसलिए ये तो नज़दीक है और ये जा रहा है, और जानबूझ के थोड़ा सा वक्त और ज़्यादा कर लेते हैं, बस काफ़ी है, अब रेंज चले यहाँ तक ले लेते हैं, जब ये स्क्रीन से जा रहा है ना तो ये, वरना क्या स्क्रीन से जाते हुए दिखता नहीं, तो मैं रेंज और बढ़ा देता हूँ ताकि स्क्रीन से जाते हुए दिखे। अब आप देखिए क्या होता है, अब अरीना नॉर्थ कराची, आप तमाम से मेरा सवाल ये है कि इसमें एक कमी है, क्या कमी है, गुलाब जामुन की, रसगुल्ले की, किसकी, रसगुल्ले की है, साउंड तो बन जाएगा, साउंड कोई इशू नहीं है, ये पहले से लिख रहे हैं, तो वो तो लिखना ही है ना, लिख पहले से नहीं रहा है, पेन आया है बस, लिख नहीं रहा है, पेन आया और लिखना शुरू किया, हाथ ट्विस्ट नहीं हो रहा, रोटेट नहीं हो रहा, घूम नहीं रहा, देखें सीधा सीधा जा रहा है, आप लिखते हैं आपका हाथ थोड़ा सा यूं होता है, आपने नोट किया है, वो नहीं हो रहा, उसको रोटेट भी देना है, यानी पोजीशन आप लगा चुके हैं, सिलेक्ट करें इस लेयर को, आर दबा दिया आगे रोटेट, अब रोटेट में शुरू से की लगेगी, अब मैंने की लगा दी है, की लगा दी है, अब मैं पेज डाउन करता हूँ 1 2 3 4 5, थोड़ा सा जानबूझ के रोटेट करें, मामूली सा लगे कि वो स्क्रीन पर कोई आ रहा है, झूमता जानता आ रहा है, ठीक है, झूम, अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, झूमता झूमता आ रहा है, ऐसे कर करके डोलता डोलता आ रहा है, खुशी खुशी से आ रहा है, मैं कोई लिखने वाला हूँ, अभी कब्रस्तान से आया क्योंकि कटा हुआ हाथ, तो उसको सही करते कि उसके हाथ को कैसे सही करेंगे, लेकिन हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखें अभी तक वो कटा हुआ ऐसा दिखा नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, फिर भी आपने नोटिस किया हो तो बताइएगा कि सर यहाँ पे कटा हुआ हाथ दिख रहा है, मैं भी नहीं दिख रहा हूँ अभी तक, तो मैं जानबूझ के इसको घुमा रहा हूँ, देखिए की लगती जा रही, देख रहे, ये की उस वक्त तक नहीं लगेगी जब शुरू में आपने स्टॉपवॉच पे क्लिक नहीं किया होगा, स्टॉप वॉच पे क्लिक करते ही जैसे ही आप पेड और करते जा रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं वो की लगाते जा रहा है, ये देखें चार चार पांच पांच चार चार पांच पांच इस तरह करते करते, और आप अगर और अच्छा चाह रहे हैं तो दो दो तीन तीन पे लगाएं और जबरदस्त रोटेशन होगी इसकी, कहीं ज्यादा कहीं कम, और देखिए नीडल से घुमा रहा है, नहीं घुमा रहा है, ये नीडल से ही घुमा रहा है, बार बार स्लाइडर यहाँ रखा है मैंने, लेफ्ट माउस दबा के बार बार, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से एनिमेशन इसकी लगती जा रही है, कभी 5 कभी 10 कभी 2 कभी 4 की फ्रेम में लगाए जा रहे हैं, यानी फासला जो है वो एक जैसा नहीं है, कहीं 2 3 कहीं 4 5 इस तरह करते करते, और अब आपको ये हाथ रियल लगेगा कि वाकई में ये ऐसा महसूस होगा कि कोई सचमुच का हाथ है जो लिख रहा है, बस ये रोटेशन की कमी थी, पोजिशन तो लगी हुई इस पर, सबको आ रहा है समझ में, अब जरूरत नहीं, अब आप उसको नहीं भी हिलाए चलेगा, क्योंकि आप सीधे से बाहर जाओगे, रुखसत हो रहा है वो, आप देखें आ रहा है समझ में, कटा हुआ थोड़ा दिखा आपने नोट किया, दोबारा देखो क्या पता मुझे लग रहा हो ये हो गया, नहीं दिखा, ठीक है, जिसको आप ब्राइटन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, देख ले हो सकता है कहीं आ गया हो, नहीं ये यहाँ आया, देखिए बहुत मामूली सा है, पता नहीं चला, लेकिन इसका हल क्या है, देखें मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, इसका हल ये है
कि ये हाथ को क्यों ना लंबा कर लिया जाए। तो आप यहाँ पेंडुल पाए, आपको सिर्फ ये करना है कि पेंडुल वाले ये जो लेयर है, ये वाले लेयर जो है इसको आपने सिलेक्ट करना है, और इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जिसमें ये हैंड है आपने यहाँ से लेना है पपेट टूल। ये रहा पपेट टूल, आप सिर्फ यहाँ से ही लगाने शुरू कर दें क्योंकि हैंड ना मुड़ जाए कहीं, तो आप यहाँ से लगाने शुरू कर दें। तो क्लिक किया फर्स्ट डॉट, क्लिक किया सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, ये हड्डियाँ लग रही है साथ में, समझ लें हड्डियाँ लग रही हैं। अब इस वाली हड्डी को पकड़ के आपने थोड़ा खींचते हैं, देखिए हाथ दिख रहा है हलवे की तरह मुड़ रहा है, जैसे फोटोशॉप में भी है, इसको हम पपेट वाप बोलते हैं, तो फोटोशॉप में भी ये दिया हुआ है। अब ये खींच गया तो अब ये गड़बड़ नहीं करेगा। अब जरा दोबारा देखते हैं इसको, फुल स्क्रीन पर देखते हैं, सिलेक्शन टूल लेके इसको बंद किया पपेट टूल को, टिल्डा का बटन जो बन गया बराबर में इसको दबाया, व्हील घुमा के थोड़ा जूम किया, बाहर क्लिक किया, जीरो दबा दिया। आप खुद देखिए आप हाथ दिख रहा है, अब कटा हुआ हाथ नहीं दिख रहा। इस तरह आप खींच कर जो है वो मैश को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, राइट ऑन इफेक्ट। सीकन को चेक कीजिएगा, इस वक्त पूरे यूट्यूब के अंदर सीकन ऐसा चैनल है जो लाखों कमा रहा है माशाल्लाह से, कई सालों से है, और उसकी वीडियोस देखिएगा उसे क्या क्या टॉपिक पे रखें और कैसे कमा रहा है। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, नहीं तो नहीं कम से कम 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी अब इस रेंज में कमा रहे हैं, नहीं तो नहीं तो 10 से 12 लाख महीना कमा रहे हैं सिर्फ ये काम करके, सिर्फ ये करते हैं और कुछ नहीं करते। वीडियो स्क्रैप को अच्छे से उन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है, वीडियो स्क्रैप की भी वीडियोज़ आने वाली है कि वीडियो स्क्रैप पे कैसे आप लिख सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, मीडिया गुरु, जिस पे आपको 50 लाख रुपए महीने कमाने वाला सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वीडियो स्क्रैप, जो कोई आपको नहीं बताएगा लेकिन मीडिया गुरु आपको सिखाएगा, ठीक है, डन हो गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, और ये कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो स्क्रैप के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि वीडियो स्क्रैप की वीडियोज़ भी आने वाली है, शुरू क्लास से आएगी और इंशाल्लाह इतना आ जाएगा कि आपके लिए शुरू में 10 से 12 लाख कमाना मुश्किल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।